Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And today we are going to discuss the homosexual laws of India, जिसे सोडोमी लॉ भी कहा जाता है, या आपने सुना होगा सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के बारे में, जो अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है. तो इसी सेक्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ होमोसेक्सुअलिटी. अब इसमें जो है दो तरह की सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है ह्यूमन बीइंग्स में, जिसमें से एक है हेट्रोसेक्सुअल, जिसमें अपोजिट जेंडर के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, मेल का फीमेल की तरफ और फीमेल का मेल की तरफ. वहीं होमोसेक्सुअलिटी के अंदर सेम जेंडर के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है. ये दो मेल्स के बीच या दो फीमेल्स के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है, और ऐसे ही लोगों को LGBTQ कम्युनिटी कहा जाता है, इन विच L स्टैंड्स फॉर लेस्बियंस, यानी कि जहाँ दो फीमेल्स एक दूसरे के लिए सेक्सुअली अट्रैक्शन रखती हों, एंड G स्टैंड्स फॉर गे, जहाँ दो मेल्स एक दूसरे से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हों, वेयर एज B इज फॉर बाइसेक्सुअल्स, जहाँ एक पर्सन का मैन और वुमेन दोनों के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, दोनों में सेक्सुअल इंटरेस्ट हो. देन कम्स ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर वो लोग हैं जिनमें से अगर कोई बाय बर्थ मेल है, लेकिन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को वो एज अ फीमेल डिनोट करता है, और वहीं अगर कोई पर्सन बाय बर्थ फीमेल है, लेकिन उसका जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो मेल का है, तो उसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं. नाउ लास्ट इज क्वर. जो पर्सन अपने आप को मेल और फीमेल दोनों में ही कंसिडर करता है, या फिर वो मेल और फीमेल दोनों से ही अपने आप को अलग मानता है, उसे हम क्वर कहते हैं. तो यहाँ तक बात हुई LGBT कम्युनिटी के बारे में, जिन्हें हम कलेक्टिवली होमोसेक्सुअल्स कहते हैं. इसके बाद है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 377 क्या कहता है? सेक्शन 377 बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में. सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी सेज दैट हूएवर वॉलेंटरली हैज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन वुमेन और एनिमल शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड to 10 years shall also be liable to fine. So according to section 377, किसी men, woman या animal के साथ किया गया carnal intercourse unnatural offence कहलाएगा, चाहे फिर वो voluntarily हो या involuntarily हो. और इस section के तहत unnatural offences के लिए life imprisonment तक का punishment का provision भी है. तो इस section में हमें चार main और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखने को मिलते हैं, वो है फर्स्ट इज वॉलेंटरली. वॉलेंटरली का मतलब है विदाउट यूजिंग एनी फोर्स. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सहमति से किया गया कार्नल इंटरकोर्स भी क्राइम है. तो इस वॉलेंटरली वर्ड की वजह से ये सेक्शन होमोसेक्सुअल्स को सिर्फ एक सेक्सुअल पर्वर्ट की तरह देखता है, या फिर अगर कोई मेल दूसरे मेल के साथ रेप करता है या सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 377 वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली सेक्सुअल एक्ट्स के अंदर डिफरेंस नहीं करता. बेसिकली दिस सेक्शन डज नॉट कंसिडर द सेक्सुअल प्रेफरेंसेस ऑफ अ पर्सन. सेकेंड इज कार्नल इंटरकोर्स. ये जो वर्ड है कार्नल इंटरकोर्स, ये कहीं भी आईपीसी के अंदर डिफाइंड नहीं है. कार्नल इंटरकोर्स वजाइनल हो सकता है, एनल इंटरकोर्स हो सकता है, या ओरल इंटरकोर्स भी हो सकता है. अब यहाँ पर उन लोगों के लिए तो कोई पनिशमेंट नहीं है जो हेट्रोसेक्सुअल कपल है, मेल फीमेल है, वो अगर एनल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आईपीसी में कोई पनिशमेंट नहीं है. तो फिर सिर्फ होमोसेक्सुअल्स के लिए ही क्यों है? थर्ड इज इम्प्रिजनमेंट. अब ये जो सेक्शन है 377, बजाय होमोसेक्सुअल्स को प्रोटेक्शन देने के, उनको क्रिमिनल डिक्लेयर करता है, विच इज़ अगेन अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स. फोर्थ इज ब्रिटिश एरा प्रोविजन. सेक्शन 377 ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम का बनाया हुआ लॉ है, और अब जो है इंग्लैंड में भी होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों आज तक इसे फॉलो किए जा रहे हैं? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अराइज होते हैं.
इस सेक्शन में से। तो इसी सेक्शन की वजह से एलजीबीटी कम्युनिटी को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जिनको सोसाइटी में कोई ठीक करने वाला तो था ही नहीं, उल्टा इन लोगों को पुलिस की तरफ से भी हरासमेंट फेस करनी पड़ती थी। पुलिस इसी प्रोविजन की धमकी पर इन लोगों को ब्लैकमेल करती थी, इनको किसी भी तरह की लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस में इनका डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, और अगर कोई पर्सन होमोसेक्सुअल्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है या किसी भी तरह से इनको परेशान करता था तो ये लोग पुलिस को अप्रोच करने से भी कतराते थे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये हेल्थ फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम, जैसे कि इन लोगों में एचआईवी एड्स की अवेयरनेस फैलाना या फिर और कोई हेल्थ फैसिलिटी हो उसे ये ईजिली अवेल नहीं कर पाते। और तो और सोसाइटी में होमोसेक्सुअल्स को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता रहा है, और इसी वजह से ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाने पर मजबूर रहते हैं। तो इन्हीं सब इश्यूज को देखते हुए नाज इंडिया फाउंडेशन, जो कि एचआईवी एड्स एंड सेक्सुअल हेल्थ पर काम करने वाला एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की, जिसमें उसने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को रिपील किया जाना चाहिए। इससे होमोसेक्सुअल्स के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, सेक्शन 377 की वजह से होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो इन जुलाई 2009 दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी इस केस में सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी एडल्ट्स के बीच कंसेंशुअल एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करता है, जो कि संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। यानी कि इस सेक्शन की वजह से होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के साथ सेक्स बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी इन्फ्रिंज हो रहा है, इसीलिए सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सेक्शन 377 नॉन कंसेंशुअल सेक्स के लिए वैलिड है, अननेचुरल इंटरकोर्स विद एनिमल्स एंड माइनर्स के लिए भी वैलिड है। यानी कि सेक्शन 377 सिर्फ तभी इनवैलिड है जब दो एडल्ट्स के बीच कंसेंशुअल सेक्स होता है। फिर इसके बाद दिसंबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन के आने पर एक एस्ट्रोलॉजर सुरेश कुमार कौशल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, जिसमें उन्होंने कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट, जैसे कि ये रिलीजन के अगेंस्ट है, नेचर के अगेंस्ट है, इसे चाइल्ड प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता, और होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इस अपील के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल किया और कहा कि सेक्शन 377 इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन टू मेक लॉ ऑन होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहे। इसके बाद नाज इंडिया फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के डिसीजन के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2014 को डिसमिस कर दी। आफ्टर दैट इन 2015 इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये बिल जो कि सेक्शन 377 को पार्लियामेंट के थ्रू डीक्रिमिनलाइज करता, वो लोकसभा में रिजेक्ट हो गया। आफ्टर दैट फरवरी 2016 में कई लोगों ने जो एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स के लिए काम कर रहे थे, जैसे कि एनएस जौहर, जर्नलिस्ट सुनील मिश्रा, शेफ रितु डालमिया, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर पिटीशंस फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को रिकंसिडर किया और इसकी सुनवाई 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने की थी, और इसी बेंच का डिसीजन 6 सितंबर 2018 को आया। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेक्शन 377 के कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन टू एडल्ट्स वाले पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड राइट टू चूज अ पार्टनर हर एक इंडिविजुअल का हक है और ये राइट टू प्राइवेसी में आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल का हक है।
So the crux is that now the consensual sex between two adults, whether it is between heterosexual couples or is between homosexual couples, is legal in India, and section 377 is violative of right to equality. तो करीब करीब 18 साल लग गए इस डिसीजन को आने में, लेकिन देर से ही सही अब इंडिया भी बाकी के 125 देशों की तरह होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम नहीं मानता और होमोसेक्सुअलिटी लीगल है अब इंडिया के अंदर. तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किस केस में होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में डीक्रिमिनलाइज किया गया, सो तो आपका आंसर होगा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के पर्सन के साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो पुलिस किस प्रोविजन के अंदर इसका केस दर्ज करे, क्योंकि अभी तक तो कोई लॉ है नहीं इनके लिए. तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी विच टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्शन 354A के अंदर LGBTQ कम्युनिटी के सेक्सुअल हरासमेंट के केस भी दर्ज किए जाएं. सो होप यहाँ तक आपको होमोसेक्सुअल लॉ से रिलेटेड सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे. फॉर क्लियरिंग योर फर्दर डाउट्स, एक बार देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट के बाद होमोसेक्सुअल कपल्स के लिए क्या क्या बदला. सो फर्स्ट थिंग इज दैट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इंडिया में अब होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी इज लीगल इन इंडिया. इसके बाद क्या होमोसेक्सुअल कपल्स मैरिज कर सकते हैं इंडिया में? नहीं, मैरिज बिटवीन होमोसेक्सुअल कपल्स को अभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली है, क्योंकि कोई ऐसा लॉ नहीं बना है जो होमोसेक्सुअल कपल्स के मैरिज प्रोविजंस बताता हो. आफ्टर दिस चेंजिंग जेंडर, यस इट इज़ लीगल बट इट रिक्वायर्स सर्जरी. इसके बाद है क्या होमोसेक्सुअल कपल्स चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में? तो नहीं, अभी इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है. सरोगेसी बिल के अंदर भी इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं बनाया लेजिस्लेचर ने. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा कोई लॉ नहीं है जो स्पेशली होमोसेक्सुअल कम्युनिटी की प्रोटेक्शन की बात करता हो, जबकि हम सभी जानते हैं कि होमोसेक्सुअल के साथ सोसाइटी में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे फिर वो एम्प्लॉयमेंट में हो या हेल्थ में हो या हाउस रेंट देने में प्रॉब्लम आती हो उन्हें. नेक्स्ट इज मिलिट्री. मिलिट्री में भी अभी होमोसेक्सुअल्स की भर्ती नहीं की जाती इंडिया में. नेक्स्ट इज डोनेटिंग ब्लड, यस इट इज़ लीगल इन इंडिया. लास्ट इज एज ऑफ कंसेंट. एज ऑफ कंसेंट जो है सेम है, 18 ईयर्स ओल्ड है. सो दैट्स ऑल फॉर होमोसेक्सुअल लॉज. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Thank you so much for watching. See you in the next video.